दोस्तों आज की जो वैकेंसी है ये आप देख सकते हैं, आपके सामने नोटिफिकेशन है राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज आजमगढ़ देव गांव का, और ये है डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ में। और यहाँ पर दोस्तों वॉक इन इंटरव्यू होना है, आप देख सकते हैं। और ये आप देखेंगे नोटिफिकेशन की जो डेट है वो है 4/11/2023, लेकिन ये नोटिफिकेशन आउट किया गया है 8 नवंबर 2023 को न्यूज़पेपर में, और साइट पर भी ऑफिशियली ये जो है 8 नवंबर को ही डाला गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू होंगे ऑफलाइन फॉर द गेस्ट फैकल्टी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर एकेडमिक सेशन 2023 एंड 2024 विल बी हेल्ड ऑन 28 नवंबर 2023। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में यहाँ पर ये वैकेंसीज हैं आपके लिए, वॉक इन इंटरव्यू देख सकते हैं। यहाँ पर होना है 4 वैकेंसीज आपके लिए अवेलेबल हैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। रिपोर्टिंग टाइम जो है दोस्तों वो है 9:30 बजे सुबह। डेट ऑफ इंटरव्यू आप देख सकते हैं 28 तारीख है। और मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जो लोग यहाँ पर इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं वो कम से कम 1 घंटा पहले यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम से पहुँच जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर और भी कई सारे प्रोसेस होते हैं जिसमें टाइम लगता है, इसलिए समय से पहले ज़रूर पहुँचें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पर मैक्सिमम 40,000 रुपीज़ पर मंथ आपको पे किया जाएगा, यानी कि 750 रुपये पर कॉन्ट्रैक्ट आर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम रुपीज़ 40,000 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको एप्लीकेशन करना है दोस्तों, तो इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें लगानी होंगी, क्या क्या आपको फॉर्म के साथ में फिल करना होगा, ये सारी जानकारी मैं आपको अभी देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पर नीचे आपके सामने इसी नोटिफिकेशन में फॉर्म भी दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। ये 2 पेजेस का फॉर्म है, इसको आपको फिल करके लेके जाना होगा। और साथ ही आपको क्या काम करना होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट शुड सेंड 1 सेट ऑफ रिलेवेंट फोटो कॉपीज ऑफ डिग्री मार्कशीट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड रिसीट ऑफ द पेमेंट डन टू द कॉलेज अकाउंट अलॉन्ग विद ड्यूली फुलफिल्ड एंड साइंड एप्लीकेशन फॉर्म टू डीन अकेडमिक राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज आजमगढ़ विलेज अकबलपुर पोस्ट देवगांव डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़। ये पूरा एड्रेस आपके सामने, एंड ऑल्सो मेल ए स्कैन कॉपी ऑफ द सेम टू द अकेडमिक एट द रेट GEC आजमगढ़ .ac.in ऑन और बिफोर 27/11/2023। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि दोस्तों आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को मेल भी करना है, और साथ ही साथ आपको बाय पोस्ट भी भेजना होगा। जो एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है और ईमेल दिया हुआ है, इसको आपको भेजना होगा। पहले आपको इस फॉर्म को फिल करना है, और दिए गए एड्रेस पर आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ फिल करके सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज के साथ में बाय पोस्ट भेजना होगा। और साथ ही आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट भी देना है। बैंक नेम आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए लिखा हुआ है एप्लीकेशन फीस जो है वो 500 रुपये है जनरल और ओबीसी के लिए, 300 रुपये जो है वो है एससी और एसटी के लिए। बैंक नेम यहाँ पे दिया हुआ है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अकाउंट नेम आप देख सकते हैं, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ब्रांच, ये सब कुछ दिया हुआ है। रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट टू द अबव अकाउंट शुड बी सेंड अलॉन्ग विद एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, कोई यहाँ पर आपको डीडी वगैरह नहीं बनवानी है, डीडी के बारे में इन्होंने यहाँ पे नहीं कहा हुआ है। आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, किसी भी ऐप के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, जो भी आप यूज़ करते हो उसका आप यूज़ कर सकते हैं। और जब आप पेमेंट करने के बाद उसमें आपको एक रिसिप्ट मिलती है, उस रिसिप्ट का स्क्रीन शॉट लेकर के आप उसको प्रिंट आउट करा लीजिए, और उसी अपने फॉर्म के साथ में, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में रख करके सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको भेजना होगा, ठीक है। आपको यहाँ पर कोई टीए डीए नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, यहाँ पर क्लियरली इन्होंने मेंशन कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि द असाइनमेंट ऑफ द गेस्ट फैकल्टी इज प्योरली टेम्प्ररी एंड विल बी टर्मिनेटेड बाई इंस्टीट्यूट आफ्टर द पीरियड ऑफ 11 मंथ। तो यहाँ पर सिर्फ 11 महीने के लिए आपको यहाँ पर रखा जाएगा, और टिल द ज्वाइनिंग ऑफ रेगुलर फैकल्टीज और इफ द परफॉर्मेंस ऑफ गेस्ट फैकल्टी इज फाउंड अनसेटिस्फैक्ट्री। तो यहाँ पर वैसे तो 11 महीने का टाइम है, लेकिन इन्होंने ये भी कहा है अगर कोई रेगुलर फैकल्टी नहीं ज्वाइन करती है तब तक आप वहाँ पे वर्क करते रहेंगे, और अगर आपको उनका काम अच्छा लगता है तो आपको आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। ये मोस्टली सभी जगह पे होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस इंस्टीट्यूट के लिए आप कैसे रीच कर सकते हैं, ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। हाउ टू रीच राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज आजमगढ़। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड 60 किलोमीटर्स फ्रॉम द वाराणसी सिटी ऑन वाराणसी आजमगढ़ हाईवे। तो वाराणसी सिटी से यह 60 किलोमीटर दूर पड़ता है। इट इज़ वेल कनेक्टेड थ्रू रोड एंड रेल नेटवर्क, ठीक है। द नियरेस्ट एयरपोर्ट इज लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है।
देन यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें उन्होंने और बताई हुई है, डिस्टेंस फ्रॉम वेरियस इंपॉर्टेंट लोकेशंस 50 किलोमीटर फ्रॉम वाराणसी एयरपोर्ट, देन यहाँ पे 50 किलोमीटर फ्रॉम वाराणसी रेलवे स्टेशन, 30 किलोमीटर फ्रॉम जौनपुर रेलवे स्टेशन और 40 किलोमीटर फ्रॉम आजमगढ़ रेलवे स्टेशन। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने दी हुई हैं, इन सबको आप पढ़ सकते हैं और बाकी डिटेल आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है दोस्तों अप्लाई करिए और इसी तरह की रेगुलर टीचिंग नॉन टीचिंग वैकेंसीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।